वेलकम टू मनी गुरु। आज 31 दिसंबर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 दिसंबर, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है ये आयोजित की जाएगी पंजाब में, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितार वादक मंजू मेहता को 2018 के लिए तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस अधीक्षक SP मोनिका बंटूगर को उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले की पुलिस अधीक्षक है? तो वह हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की पुलिस अधीक्षक है, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला जिसने साइकिल पर दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई बन गई है, तो ये महिला है वेदांगी कुलकर्णी, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, समिति के अध्यक्ष कौन है? तो समिति के अध्यक्ष हैं निर्मल जालान, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PB भारती को किस बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कॉरपोरेशन बैंक, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अंबिका प्रसाद पंडा को, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार रैन मिनमी उद्धृत पांडा वार्न जारी करेगा? तो ये जारी करेगा पाकिस्तान, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात UAE में किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2018 जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने इन द डार्क हाउ टू डू पावर सेक्टर डिस्टर्बेंस कॉस्ट साउथ एशिया शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की है विश्व बैंक ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नागरिकों द्वारा भारत में खर्च की जा सकने वाली भारतीय मुद्रा की राशि पर मासिक सीमा शुल्क लागू की है? तो ये वार्षिक सीमा जो लागू की है वो की है नेपाल ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, 1 लाख तक की सीमा जो है लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य पुलिस सभी मलखानों की डिजिटलीकृत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है? तो ये बन गया है दिल्ली, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सफलतापूर्वक अमेरिकी वायुसेना के पहले ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS थर्ड उपग्रह जिसका उपनाम वेस्पुची है उसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SpaceX ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला संगीत संग्रहालय जो है ये जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो ये शुरू किए गए हैं महाराष्ट्र में, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था दिल्ली में, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य के बाहर व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी 6ठी राष्ट्रीय रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन को सौंपी है? तो ये सौंपी है जैविक विविधता के लिए कन्वेंशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IPRI के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था वाराणसी में, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।